एक माजिया हा, उनकी उम्र थी 75 साल। जिया जी श्री बैठे हैं, आप भी भजन को सुने आराम से। थाने गई 4-5 साल में एक बार ही देखा। माँ जी हा 75 साल रहा और उनके जाने का टाइम आ गया। तो जाने का टाइम हुआ तो भगवान ने यम, वो भगवान के घर पे जो यमदूत होते वो संसार में लोगों को लेने का, लेने आने का काम उनको ही सौंप रखा है। भगवान से जाकर कहा यमदूतों ने कि भाई वो धरती पर वो माँ जी हा उनका टाइम खत्म हो गया है, तो उनको हम लेने जा रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि यम देवता आप मत जाओ, मैं जाऊंगा उनको लेने के लिए। यम दूतों ने कहा कि भाई काम तो हमारा है, आप कैसे जाओगे? तो भगवान ने कहा कि वे माजिया है जगह मारा बहुत ही प्रिय भक्त है, क्योंकि उन्होंने मेरे बहुत भजन किए हैं, बहुत नाम लिया है, बहुत सत्संग में जाकर उन्होंने समय दिया है मेरे लिए, तो उनको लेने के लिए धरती पर मैं खुद जाऊंगा। यमदूतों ने कहा अच्छी बात है, किसी इंसान के तो ऐसे भाग जागे कि उनको साक्षात भगवान खुद लेने जा रहे हैं। अब माजिया सूता नींद में आधी रात में वैकुंठ भगवान आया धरती माते, जान माजिया ने उठाया कि माजी माजी उठो मैं आया हूं। माजिया एकदम भगवान ने देख लिया साक्षात और खुश होया एकदम के मैं ऐडा कई कर्म करिया जो आज मैंने भगवान साक्षात मारे सामने प्रगट हो गया। माजिया ने भगवान कहे माजिया इतना राजी मत हो, आपने जावारो टाइम आई गयो है, मैं थाने लेवण वास्ते आयो हूं। माजिया एकदम उदास हो गया के एक तो भगवान दर्शन दिया भाई मैंने लेवण आई गया, क्या आपरो समय खत्म हो गया, हमें हालो ऊपर। माजिया के भगवान मैं आपरे साथे चाल जाऊं, लेकिन एक छोटो सो काम करो आप मारो। भगवान के बोलो आप मारा परम भक्त हो, अति प्रिय भक्त हो, आपरी बात में टालू नहीं, बोलो कि आप एक काम करो मने 5 मिनट दे दो। कितना मिनट? 5 मिनट। मन मारे घर वालों बात करनी है, परिवार वालों। भगवान के माजिया 75 साल रहा हो गया, एड़ा क्यों काम बाकी रह गया जो को 5 मिनट में आप कर लो ला, और अजय 5 मिनट मांगो। डोकरी माँ के भगवान इतनी कृपा कर दो, 5 मिनट आप मने दे दो जो मैं मारा घर वाला हूं बातचीत कर लू, जो मन में कोई बात रह गई है। तो भगवान माजिया ने कहा चलो आपने 5 मिनट रो समय दियो, जो भी आपने बातचीत करनी है घर वालों आप कर लो। तो भजन में कहीं लिखे बहुत ही अच्छा भजन है, और जो परिवार से प्रेम करते हैं, जो माता पिता से प्रेम करते हैं, बहनों से प्रेम करते हैं, भाइयों से प्रेम करते हैं, पोता पोती से प्रेम करते हैं, वो इस भजन में बैठे रहेंगे, और जो प्रेम नहीं करते हैं वो उठ के चले जाते हैं। हाँ हे संता सरगासू संता हे संता सरगासू आयो रे संदेश भुलावो आयो राम रो। लिखे के संता सरगासो आयो रे संदेश बुलावो आयो राम रो। तो हाँ बोलना क्या, दौलत जी भाटी सनोक स्वर्गीय देवाराम जी भाटी, संसार तो सागर है, सुख दुख दो किनारे हैं, क्या बात है। हाँ भजन बड़ा ही अच्छा है के संता सरगासु आयो रे संदेश बुलावो आयो राम रो। कहीं लिखे हे संता सरगासु आयो रे संदेश बुलावो आयो राम रो।
ઓછી છે ડોકરી માં કે સુનો મારી વાત અરે એક મિનિટ પ્રભુ માને દેવો મે મારા બેટા સેવા અરે એક મિનિટ પ્રભુ માને દેવો મે ભગવાન નો આયો સંદેશો એથે તો આપસ મેં લીજો કોઈ બાટે સંદેશો આયો રામ રો करा बेटा से बात दोनों बेटा ने बुलाया माजिया और के बेटा मारो तो ऊपर संदेश आ गयो है जावन नो समय आ गयो है लेकिन अलमारी रे मायने जका पैसा पड़िया है वे दोनों भाई आपस में प्रेम बांट लीजो मारे गया रे बाद में लड़ाई झगड़ा मत कर जो जमी जायदाद वास्ते लेकिन जो आज रो समय है जैसा हम सुनते हैं जैसा हमें सुनने में आया है के माँ बाप के 13 दिन नहीं होते उससे पहले ही लोग कहते हैं कि भाई मारो बंटवारो कर दो बा जमी मने दे दो वे वित्ता पैसा मने दे दो तो जो अपने माँ बाप का अंत समय बिगाड़ते हैं वो अच्छी बात नहीं है और अगर आप किसी का अंत बिगाड़ते हैं तो आपको ऊपर जगह नहीं मिलेगी के अलमारी में पैसा पड़िया आपस में लीजो थे तो बांट संदेशो आयो राम रो भगवान के माजिया एक मिनट पूरा हो आगे बढ़ो तो माजिया कही के अरे दूजो मिनट प्रभु माने देवो में करा बिनड़िया सुबार अरे दूजो मिनट प्रभु माने देवो में करा बिनड़िया सुबार दूजो मिनट प्रभु माने देवो मैं करा बिनड़िया सु बात के मैं तो घर ने बांध ने राख्यो और हे आगे संभालो परिवार बुलावो आयो राम रो हे बिना सरगा सु आयो रे संदेश बुलावो आयो भगवान रो भगवान के माजिया 2 मिनट खत्म हो गया आगे बढ़ो तो माजी कहेंगे
अरे तीजो मिनट प्रभु माने देवो, तीजो मिनट प्रभु माने देवो, मैं मरा पोता से बात राम जी मरा पोता से बात। तीसरो मिनट प्रभु माने देवो, मैं मरा पोता से बात राम जी मरा पोता से बात। अरे बाती बात तो सरगा चाला, कि छोटे छोटे पोता पोती हमारे जो माँ बाप होते हैं उनको हमसे ज्यादा लगाव, हमसे ज्यादा प्रेम हमारे बच्चों से होता है। के मूड़ू ज्यादा ब्याज प्यारो होया करे। अरे दादी माँ तो सरगा चाया, अरे कुण तो करेला थारा लागे, बुलाबो आयो भगवान के माता जी। तीन मिनट खत्म हो गया, हमें ला रहे 2 मिनट बड़ी बचिया है, जल्दी करो हमारे लेट हो रही है। माजिया के सुनो, अरे चौथो मिनट प्रभु माने देवो, मैं करू बेटी से बात। अरे चौथो मिनट प्रभु माने देवो, चौथो मिनट प्रभु माने देवो, बाप होते हैं एक पिता जो होता है वो अपनी बेटी से बहुत प्रेम करते हैं, और ये सब भली बातें जानते हैं। जो जो बेटियां हैं उनको पता है कि हमारे माता पिता हमसे कितना प्रेम करते हैं। वो जब नहीं होते हैं तो दुनिया एकदम खाली खाली लगती है। मेरी खुद की बेटी जब इसके पापा दुकान से आते हैं तो गेट पे ही खड़ी रहती है, दौड़ के सामने जाती है। क्या चौथो मिनट प्रभु माने देवो, मैं करूं बेटी से बात। क्योंकि बेटियों के जो सारा है वो माँ बाप का ही है। जब तक माँ बाप रहते हैं तो भाई लोग भी हमें समझते हैं, कुछ हमारा मान सम्मान आदर सत्कार सब करते हैं। लेकिन जब माँ बाप नहीं रहते तो घर घर में हमारे कोई नहीं है। और बहनें बहुत प्रेम करती है भाइयों से, क्योंकि मैं खुद अपने भाई से बहुत प्रेम करती हूँ। लेकिन जब परिवार में ऐसी कोई बात होती तो सोचना पड़ता है कि हम एक ही माँ बाप की औलाद है, लेकिन ऐसा फर्क क्यों है, ऐसा क्यों है।
अरे चौथो मिनट प्रभु माने देवो मैं करूं बेटी सेवा। भरे लो तारो बाते गुलाबो आयो राम रो चार मिनट पूरा होया, हमें लास्ट एक मिनट बचियो है, बोलो कहीं के भगवान ने। अरे पांचवो मिनट प्रभु माने देवो मैं करूं पति सेवा। पांचवो मिनट प्रभु माने देवो मैं करूं घर वाला से बात राम जी लिखिए। देखिए आप माँ को देखिए कि पहले बेटे से बात की, फिर बहुओं से बात की, फिर पोता पोती से बात की, फिर बेटी से बात की, उसके बाद में पति से बात की। जब परिवार हमारा बढ़ता है तो पति से पहले हमें अपने बच्चे प्यारे लगते हैं। एक बार भर दो मारी मांग बुलावो आयो आप देखिए इस भजन में माँ जो माँ का प्रेम है आप लोगों को वास्तव में पता चला होगा कि माँ क्या चीज है, हैं? कि माँ की ममता और पिता की क्षमता का हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते, इतना प्रेम है हमसे। इसलिए जो जो अपनी माँ से प्रेम करते हैं सच में वो इस लाइन में मेरा साथ देंगे और बैठे बैठे ताली बजा के गाएंगे या मन में गाएंगे, याद है तो माँ के लिए क्या लिखा, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, भोली भोली हमारी जो सासू माँ है वो भी हमारी माँ है और वो हमारे पति की माँ है। ओ माँ सासू माँ, ओ माँ प्यारी माँ।
बुलावो आयो राम रो, बुलावो आयो भगवान रो, बुलावो आयो राम रो। बोले मात पिता सतगुरु देव भगवान की, बोले श्री गंगे मात की।